गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो आप? आप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो देखिए, आज अपनी ये जर्नल साइंस की तीसरी क्लास 1 सितंबर 2019। तो देखिए, ये क्लास रोज़ होया करेगी। इस क्लास में 20 से 30 क्वेश्चन मिलेंगे अपन को जर्नल साइंस के, सिर्फ 12 से 13 मिनट के अंदर, 10 12 13 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन होंगे। कंटिन्यू क्लास चलेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो कि एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। और देखिए, अपना पहला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? पहला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर होगा गंडमाल रोग, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये इसका राइट आंसर होगा गंडमाल रोग। देखिए दोस्तों, आप कंटिन्यू इस क्लास को लें और आपके दोस्तों तक इसको पहुंचाएं, क्योंकि अभी नई स्टार्ट हुई है ना, अभी तीसरा दिन ही है आज। धीरे धीरे क्लास बढ़ेगी, आपके फ्रेंडों के पास शेयर करें, आप इसमें लाइक करें, कमेंट करें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़ने की कोशिश करें, बच्चों को जोड़ें, जिससे सभी अपने भाई हैं, सभी दोस्त हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ सभी देख पाएँ। जो ये क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? RRB फेज फर्स्ट NTPC 2016 का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। तो अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विटामिन ए किससे संबंधित है? तो बताइए दोस्तों, आप बताइए विटामिन ए किस से संबंधित है? विटामिन ए किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों, हम बताइए, शाबाश शाबाश। रेटिनॉल, जो सेकंड आंसर है रेटिनॉल, बहुत बच्चे बता रहे हैं रेटिनॉल बता रहे हैं, इसका सही आंसर रेटिनॉल, रेटिनॉल इसका राइट आंसर होगा, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एनीमिया किसके अभाव से होता है? रक्त की कमी से कारण अपने एनीमिया होता है। इसके 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे एनीमिया के ऊपर इसी वीडियो में, तो इम्पोर्टेंट है, एनीमिया से संबंधित क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एनीमिया से संबंधित क्वेश्चनों को। कोई भी क्वेश्चन हो, एनी क्वेश्चन है एनीमिया से संबंधित, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसे आप ज़रूर याद रखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, रक्तालपता मतलब रक्त की कमी, रक्त की कमी को तो एनीमिया कहते हैं, इतना ध्यान रखना, रक्त की कमी होती है तो डॉक्टर बोलते हैं उसको इसको एनीमिया हो रहा है, किसके अभाव के कारण होता है? ये किसके अभाव के कारण होता है एनीमिया, बताइए दोस्तों, बताइए। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि छोटे छोटे क्वेश्चनों का आंसर तो हमें मिले, आगे से मिल जाए। तो जो एनीमिया होता है, फॉलिक एसिड होता है, उसकी कमी होती है तो अपने शरीर में एनीमिया होता है, डॉक्टर बोलते हैं आपको एनीमिया हो गया, इसे फॉलिक एसिड के कारण होता है। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर चार है, मुंह में ही लार भोजन के खालिस्तान वाले भाग को पचा देता है, किसको पचा देता है? अपन भोजन खाते हैं तो जो लार है भोजन के कुछ पार्ट को मुंह में पचा देता है, वो कौन सा पार्ट है बताइए दोस्तों? क्या विटामिन है, क्या प्रोटीन है, क्या वसा है, क्या स्टार्च है? हम उम्मीद करेंगे आंसर आप ही दें तो अच्छा रहेगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा स्टार्च। ओके दोस्तों, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर होगा स्टार्च। ओके, इस स्थान में यहाँ पे स्टार्च आ जाएगा, धन्यवाद दोस्तों। देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एक लाइक तो बनता है, हम आपके लिए रोज़ वीडियो लेके आते हैं यार, एक लाइक तो बनता है। और कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आप उसमें कन्फ्यूज हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को डालें, हम कोशिश करेंगे आपका कन्फ्यूजन दूर करने की। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर पाँच देखिए, किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स की बीमारी होती है? जो रिकेट्स बीमारी है, कौन से विटामिन की कमी के कारण होती है रिकेट्स की बीमारी, तो बताइए दोस्तों, बताइए, कोशिश करिए आप, बताइए एक बार। और आप क्वेश्चन को साथ के साथ लिख भी सकते हैं, आपके लिए हमें उचित टाइम भी मिलेगा। बताइए दोस्तों, रिकेट्स की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है, बताइए दोस्तों, बताइए। कुछ लोग सही बता रहे हैं, बताइए।
इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी। ओके, राइट आंसर क्या होगा? विटामिन डी इसका राइट आंसर होगा, विटामिन डी। ओके, राइट आंसर होगा विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 6, किस विटामिन की कमी के कारण रुधिर स्कंदन के समय में कमी होती है? जो रुधिर स्कंदन होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण रुधिर स्कंदन के समय में कमी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, के, विटामिन के द्वारा। ओके दोस्तों, विटामिन के द्वारा रुधिर स्कंदन के समय कमी होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, हीमोग्लोबिन के अभाव से होने वाला रोग है, हीमोग्लोबिन के अभाव से होने वाला रोग है, बताइए दोस्तों। उम्मीद करेंगे आप ही बताएं, हीमोग्लोबिन के अभाव से होने वाला रोग है। हीमोग्लोबिन किससे संबंधित है? सबसे पहले तो आप ही बताओ, हीमोग्लोबिन किससे संबंधित है? हीमोग्लोबिन का अपना सीधा संबंध है किससे? रक्त से। रक्त से है तो आपने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा हो, क्वेश्चन नंबर 3, रक्तालपता किसके अभाव के कारण होती है? रक्तालपता मतलब एनीमिया किसके अभाव से होता है? फोलिक एसिड के अभाव से होता है। तो हीमोग्लोबिन के अभाव से होने वाला रोग है एनीमिया। एनीमिया रक्त से संबंधित है, हीमोग्लोबिन रक्त से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया। ओके दोस्तों, एनीमिया याद रखें, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर एनीमिया। स्कर्वी रोग किस विटामिन के कारण होता है? जो स्कर्वी रोग है वो किस विटामिन के कारण होता है, बताइए दोस्तों। उम्मीद करेंगे आप भी इसका आंसर दें, स्कर्वी रोग किस विटामिन के कारण होता है? राइट आंसर होगा सी। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सी। सी इसका राइट आंसर होगा सी। ओके दोस्तों, विटामिन सी, विटामिन सी इसका राइट आंसर होगा। विटामिन सी की कमी के अभाव में, सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, खाना बनाते समय किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? खाना बनाते समय किस विटामिन के नष्ट होने की संभावना रहती है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। तो अपन खाना बनाते हैं तो विटामिन सी की कमी के होने की संभावना रहती है, और विटामिन सी की अभाव में स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक कहा जाता है? आप आराम से क्वेश्चन का नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, आपके लिए उचित टाइम दिया जा रहा है। किस विटामिन को एस्कॉर्बिक कहा जाता है? आंसर आप दें, हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आंसर आप ही दें। किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब कि विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। विटामिन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, किस विटामिन की कमी के कारण कुछ जीव में बंधन हो जाता है? किस विटामिन की कमी के कारण कुछ जीवों में बंधत्व हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब विटामिन ई। विटामिन ई की कमी के कारण कुछ जीवों में बंधत्व हो जाता है, विटामिन ई की कमी के कारण। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पालक प्रण में भारी मात्रा में पाया जाता है। बहुत सीधा क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये तो आने चाहिए। जो पालक होती है उसमें किसकी मात्रा पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए की, ऑप्शन नंबर 2 लोहा की, ऑप्शन नंबर 3 कैरोटीन की, ऑप्शन नंबर 4 कैल्शियम की। तो इसका राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 लोहा। ऑप्शन नंबर 2 लोहा की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है पालक में।
क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सरलता पूर्वक पाच स्रोत माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सरलता पूर्वक पाच स्रोत माना जाता है? सरलता पूर्वक पाच स्रोत माना जाता है प्रोटीन का, तो इसका सही आंसर होगा दालें। पता है दालें बहुत एनर्जी देती हैं, आराम से पच भी जाती हैं, बीमार होते हैं तो मैगजीम हम डॉक्टर बोलते हैं दालें खाओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा जल विलेय विटामिन विटामिन घुलता है? बताइए दोस्तों, जल में कौन सा विटामिन घुलता है, जल में कौन सा विटामिन घुलता है? तो आज तो विटामिन सी का दिन चल रहा है वैसे यार, बहुत ज़्यादा आंसर में विटामिन सी आ रहा है। निम्न में से कौन सा जल में विलेय विटामिन है जो आसानी से जल में घुल जाता है? यह है विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 15, किस जीवाणु से दही बनने में मदद मिलती है? देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस जीवाणु से दही बनने में मदद मिलती है? बताइए दोस्तों, ये है लैक्टोबैसिलस। इसका सही राइट आंसर क्या है? लैक्टोबैसिलस। विटामिन ई की कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? इसका आंसर आप देंगे, हम पहले क्वेश्चन करा सकते हैं, देख करा चुके हैं, किसको याद है आप ये क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट बॉक्स में, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? और ये नंबर ये क्वेश्चन है विटामिन ई की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है दोस्तों। बताइए आप, जनन क्षमता में कमी होती है विटामिन ए की कमी से, क्या होती है? जनन क्षमता में कमी। और विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे बताइए, विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उसे भी बताइए, विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसे भी बताइए, और विटामिन सी का तो बता ही दिया आप, तीन क्वेश्चन दिया आपके लिए, कहीं से भी ढूंढ के कहीं से भी इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर दें। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है? निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा, एनीमिया का संबंध किससे? लोहा से, सॉरी ब्लड से। और पता, पालक खाने से, हरी सब्जी खाने से खून बढ़ता है, तो लोहा किस में पाया जाता है? लोहा पालक में पाया जाता है, पालक खाने से खून बढ़ता है, एनीमिया का संबंध खून से है, तो लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोहा। देखिए दोस्तों, कोई भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो आप जिसमें कन्फ्यूज हो उसका कमेंट बॉक्स में डालें, हम आपका कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है? जो शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है? वसा, विटामिन, खनिज और प्रोटीन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रोटीन। प्रोटीन अपने शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण पोषक है। देखता होगा जो लोग कमज़ोर होते हैं वो मैक्सिमम टाइम मेडिकलों से प्रोटीन के डब्बे ला के खाते हैं और कुछ दिन के लिए फूल जाते हैं, फिर प्रोटीन की कमी हो जाती है, फिर पतले हो जाते हैं। तो ये शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व है प्रोटीन। देखिए दोस्तों, स्टडी आइको एकेडमी चैनल है जिसमें यहाँ पे साइंस की क्लास ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें स्टडी कर सकें। देखिए एक हमारा दूसरा चैनल है यूनिक टैलेंट, यूनिक टैलेंट करके एक चैनल है जिसपे हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस की जितनी भी वैकेंसी हैं उनके लिए स्पेशल क्लास चलाई जाती है आकाश सर के द्वारा, लेकर आप वहाँ पर जाकर देखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 18 है, ये क्वेश्चन हमने स्पेशल आपके लिए लिखा है क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है? प्रोटीन अभी आपको बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, RRB 2016 NTPC फेज फर्स्ट में पूछा गया है, खाद्य पदार्थ पर आयोडीन की 2 बूंद डाले जाने पर नीला काला रंग प्राप्त होता है जो की उपस्थिति को इंगित करता है। जो खाद्य पदार्थ है उस पर अपन आयोडीन की 2 बूंद डालते हैं
पता है खाद्य पदार्थ नीला काला काला सा हो जाता है, क्यों हो जाता है, किस कारण होता है? क्योंकि उसमें स्टार्च मिला रहता है। क्या रहता है? स्टार्च। तो इस रिक्त स्थान में स्टार्च आ जाएगा, तो पूरा वाक्य अपना बन जाएगा, खाद्य पदार्थ पर आयोडीन की दो बूंद डालने पर नीला काला रंग प्राप्त होता है जो स्टार्च की उपस्थिति को इंगित करता है। ओके दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा ये भी। दही किसकी उपस्थिति के कारण खट्टा होता है? दही किसकी उपस्थिति के कारण खट्टा होता है? देखिए बताओ किसकी उपस्थिति के कारण खट्टा होता है दही? तो इसका सही आंसर है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ओके दोस्तों, देखिए कुछ क्वेश्चन है जो हम आपके लिए दे रहे हैं, स्क्रीन पे आज नहीं बताए जाएंगे, हम बता के रहे हैं आपको, स्क्रीन पर नहीं बता सकते। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये हम आपके लिए लिख रहे हैं स्पेशल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि जो बीएसएफ का महानिदेशक है, इस टाइम प्रेजेंट टाइम बीएसएफ का महानिदेशक कौन है? पहला क्वेश्चन है बीएसएफ का महानिदेशक जो 1 सितंबर 2019 को बनाया गया है, बीएसएफ का महानिदेशक, तो इसे आप बताएं, आपसे पूरी उम्मीद की जाएगी। ये तो आपके लिए आज पहला क्वेश्चन दिया गया है, करंट अफेयर्स से है। और एक दूसरा क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज है कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात, आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, कितना बड़ा है, उसकी पूरी रेंज बताएं कितना बड़ा है। एक तो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात और एक है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात। एक का आंसर है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, इसका आपको आंसर देना है। तीसरा है इसी में राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात कहाँ पे है, कौन सा है, कितनी रेंज है उसकी, कहाँ पे है, ये सब बताएंगे। राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात हम आपसे उम्मीद करते हैं, आप जितने भी 3-4 क्वेश्चन दिए हैं आपके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात, राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात, इंडिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कहाँ पे है, कितनी रेंज है, ये आप बताएंगे। और बीएसएफ का महानिदेशक जो आज 1 सितंबर 2019 को अखबार में आया है, नया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट बनता है एग्जाम ओबीसी। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आप आई की स्टडी अकेडमी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दोस्तों के पास भेजें। ओके थैंक यू।